पर्व परूषण प्यारा जग को जगाने पर्व परभूषण प्यारा जग को जगानी सत्य संदेश मनोहर सब को सुना संदेश मनोहर गफलत को दूर हटाना पापों से भै तुम खाना गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया वीर का यह फरमाना याद दिलाने पर प्यारा जग को जगाने क्रोध है मान तजना लालच आज्ञान तजना क्रोध है मान तजना लालच आज्ञान तजना चुगल की बात तजना सबको सिखाने आया सुगरी की तजना सबको सिखाने सिखान परयूषण प्यारा जग को जगाने सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया की जो खान बंदे देते है दान बंदे गुण की जोखान बंदे देते हैं दान बंदे धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया धर्म की शान बंदे तुझको को बताने आया आया परभूषण प्यारा जग को जगाने दौलत का दास अगर तू बैठा बान बशर तो दौलत का दास अगर तो बैठा, बैठा बान बशर तो डूबेगा बीच भवर तो मार्ग दिखलाने आया डूबेगा बीच भवर तो मार्ग दिखलान आया पर्व पर्युषण प्यारा जग को जगाने आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे ये तुझको चंदन मधुर पीलाने आया ये तुझको चंदन मधुर पीलाने आया पर्व प्रदुषण प्यारा जग को जगाने आया सत्य सन्देश मनोहर सबको सुनाने- आया पर्व प्रूषण प्यारा जग को जगाने आया सत्य संदेश मनोहर तब तो सुनाने आया अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है प्रभु तिन्नानंग तारंग बुद्धानंग भोयानुनंग मोयान स्वनुनंग स्वानुनंग नंग स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके मंगल की कल्याण के संसार सागर से पार होने की विधि बताते हैं उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत साधना को अनंत अनंत नम शासन भगवान महावीर इनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का पान कर रहे हैं उस प्रभु की वाणी को प्रभु के ज्ञान को प्रभु के तप को प्रभु की क्षमा को मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं परंतु पंचम काल में प्रभु की वाणी प्रभु का ज्ञान प्रभु का तप हमारे पास है हम उसके द्वारा इस भाव सागर से पार हो सकते हैं प्रभु के ज्ञान को तप को क्षमा को मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के महापर का तीसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो शुभ हो कल्याणकारी आपके भीतर त्रिवेणी संगम ज्ञान दर्शन का आपके भीतर एक आए। आपके सामने चर्चा चली थी कि आत्मा के बाधक तत्व तो कौन कौन से हैं जो पुरुषार्थ नहीं करने देते पहला है भगवान ने कहा पुरुषा परम चक्षु प्रिकम्मा हे पुरुष निर्मल ज्योति वाले पुरुष भगवान ने पुरुष और स्त्री का भेद नहीं किया पुरुष स्त्री लिंग भेद नहीं किया भगवान चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है कोई भी चाहे नपुंसक भी है यदि वो भीतर की साधना करते हैं यदि वो उनकी ज्योति उनकी दृष्टि निर्मल है वो पराक्रम करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं इसलिए पुरुषा परम चक्रु विप्रीकम कल हमने चर्चा की भगवान महावीर की पुरुषार्थ के बारे में भगवान महावीर जानते थे कीर्तंकर थे तीन ज्ञान गर्भ में थे चौथा दीक्षा लेते मन प्रयोग ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान जब तक नहीं हुआ भगवान को कितना कितना पुरुषार्थ करना पड़ा काल नियति स्वभाव कर्म और पुरुषार्थ पांच समवाय मिलते हैं तो कार्य होता है यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो कुछ नहीं मैंने भोजन बनाती हैं, हलवा बनाती हैं, पूरी बनाती सारी सामग्री ला करके वो इकट्ठा करके दे देती परंतु वो बनाने की विधि नहीं आती पुरुषार्थ नहीं करती तो हलवा तैयार नहीं हो सकता पुरुषार्थ जीवन में और पुरुषार्थ कौन कर सकता है बोलो कौन कर सकता है पुरुषार्थ कौन करता है पुरुषार्थ कौन कर सकता है कल इतनी चर्चा की हो आपके सामने कौन पुरसार्थ कर सकता है कौन कर सकता है कर। नहीं कर। अच्छा। मात्र जीव मात्र जीव जीव ही पुरुषार्थ कर सकता है जीव में आलस आ गया चार गति चौरासी लाख और पुरुषार्थ करता है तो सिद्ध गति की ओर चला जाता है मात्र जीव कुछ शब्द याद रखना अंतर में समा लेना ये भगवान की वाणी है मेरी नहीं कितना प्रभु कृपा करते हैं जीव है जीवात्मा जीव 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 के समय तुम्हारा है क्या बोलो तुम्हारा परिवार तुम्हारा है बेटा तुम्हारा है धन तुम्हारा है पद तुम्हारा है शरीर तुम्हारा है जीव जीव है तो सब है अभी कुछ नहीं पुरुषार्थ के लिए कार्य सिद्धि होती है जीवन में आलस आ जाता है तो पुरुषार्थ नहीं होता इसलिए आलस को दूर कर क्या है आवाज क्यों आ रही है दूसरा बाधक तत्व मोह पहला है आलस दूसरा है मोह क्या है मोह बोलो क्या है मोह Hmm? एक एक करके बोलो मोह क्या है मेरेपन का मोह और क्या मोह पांचों इंद्रियों में असक्ति मोह और बोलते चले जाओ बोलते चले जाओ जो मूड बना दे सो मोह ठीक है देह का मोह और और मोह क्या है कर्ता भाव मोह और आपको किस चीज से मोह है और किसी से नहीं है और किसी से नहीं है क्या बोलते हैं भाई वन मैन एक एक बोलो क्लास चल रही है हाँ बोलो बोलो बहन बोल रही है, सबसे बड़ा है कि वो बोल रही है क्या नहीं ये बोल नहीं नहीं हाँ ये बोल रही है वो तो नहीं बोल रही है। चुप कर ना तुम तो। हाँ ठीक है तुम्हारा किससे मोह है शरीर से है अच्छा और किससे है और बोलो हो गया बात मोह किस किस से मोह है परिवार से मोह है किस किस से परिवार से मोह है और क्या है बोलो बोलो <laughs> और मोह क्या है मेरे से मुंह करके क्या करोगे सूक्ष्मता से जाओ मोह सबसे बड़ा शत्रु है मोह ये मोह हमें चार गति चिरासी लाख दीवाइयों ने हमें भटकारा मोह के दो भाग कर दीजिए दर्शन मुनि चरित्र मुनिय दर्शन का अर्थ दृष्टि दृष्टि मोह की है सब आपको मोह नजर आए देखो आपको किसके प्रति मोह है आपका बेटा आपकी पत्नी आपकी माता पिता बहन भाई गुरु जन सबसे मोह है कि नहीं बोलो इसके साथ जो तुम्हें धन कमाया उससे मोह है फिर तुमने जो बंगला बनाया गाड़ी बड़ी ली और जो संबंध बनाए उससे मोह है और क्या मोह दर्शन दर्शन मोहनी, सिंपल दृष्टि का घात करते हैं दृष्टि हमारी दृष्टि का घात पूरे परिवार में यदि हमारे अनुकूल चलते हैं, हम सबको पसंद कर लेते हैं करते हैं कि नहीं चाहे मां चाहे बहन चाहे पत्नी चाहे बेटा कुछ भी है आपके अनुकूल चलता है आपके विपरीत चलता है तो क्या होता है झगड़े होते आपके अनुसार आपकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो क्या होगा खाना बनाना ही नहीं होता क्या करती है कमा के मैं इतना कमा के लाता हूं ये खाना नहीं खिला सकती मुझे क्या है हमारे जो अनुकूल ना चले हम उससे क्या करते हैं ष करके पांच चुंदरियों के विषय आंख नाक कान दसन जीबा पांच चुंदरियों के विषय में हमारा कितना मोह है हमें वही रूप अच्छा लगता है और उसी के पास हम बैठना पसंद करते हैं और संगीत जो हमें कानों को प्रिय लगता है वही सुनना चाहते हैं सुगंध जो ना नासिका को प्रिय है दुर्गंध आए हम ऐसे ऐसे कर देते हैं और जिब्बा को जो रस पसंद आता है वही लेते हैं। काया को जो स्पर्श करते और मुख से है बोलो और मुख से धन संपत्ति हो गई हमारे मन के अनुसार चले वो हमें अच्छा लगता है हमारे मन के अनुसार हमारी बुद्धि के अनुसार और मोह किससे है और सूक्ष्मता से जाओ शास्त्र की भाषा नहीं मैं कहता बोलो किससे मोह है हु? जो हमारी इंद्रियों को पसंद है। तो बोल दिया मैंने मोह और किससे मोह है हुँ? हमारी वृत्तियां वृत्ति के प्रति हमें मोह है जो आपकी वृत्ति है आपको भी अच्छी लगती है कोई दूसरा आपके विरुद्ध बोले तो नहीं आती नहीं था। आप जिस मकान में रहते हैं जिस शैया पर आप सोते हैं उसी पे आपको नींद आती दूसरी जगह जाओगे आपको अच्छा नहीं लगेगा जो आपकी वृत्तियों के प्रति हमारे जो मन में बना ली धारणा उसके प्रति मोह जरा सा भी चले कोई चाहे कोई हो आपका बेटा आपके परी चलता है आपकी पत्नी आपके परी चलती है आपका गुरु आपकी बात नहीं सुनता तो आपको क्या होता है ये सारा मोह का संसार है हमारी वृत्ति हमारे संस्कार हमारी धारणा हमारी परंपरा ये मेरी परंपरा है ये मेरी धारणा है है कि नहीं बोलो वृत्तियों पर मोह और, और मोह किसके प्रति है घरे जाओ भगवान ने क्या बताया आज रोज फूलते जिंदगी भर हम अपने व्यक्तित्व का पोषण करते हैं मैं शिव मुनि मैं पुरुष मैं साधु मेरे इतने उपासक मैं ऐसा प्रवचन देने वाला मैं मैंने अपना व्यक्तित्व का पोषण बहुत किया मैं अपनी बात कहता हूं मैं साधु बनने के बाद भी हम कितना सुख सुविधा में जीना चाहते हैं हम वही चतरमाश करना चाहते हैं जहां लोग अच्छे हो भीड़ हो लोग जय जयकार करें शिव मुनि की जय शिव मुनि की जय वही हम चतुर्माश करते हैं चाहे साधु बन गए हैं पर वृत्ति वही है अभी बहुत भीड़ इकट्ठी हो जय जयकार हो व्यक्तित्व का पोषण हो ये सब किसका है मोह है नहीं आज तक हमने व्यक्तित्व का पोषण किया मोह के कारण किया चाहे साधु बन गए घर बार छोड़ दिया सौ लोग थे अब पचास कितने लोग हो गए उनको अपना बनाना उनके साथ बात करना संबंध स्थापित करना ये सब क्या है मोह का हिस्सा है दृष्टि जब आपकी दृष्टि नहीं बदली दर्शन मुंह। व्यक्तित्व का पोषण भगवान क्या कहते हैं? भगवान व्यक्तित्व की चर्चा ही नहीं करते अस्तित्व की बात करते जीवात्मन अस्तित्व की बात करें आपको पता है ये काया भी छूटेगी और हमें सिद्ध गति जाना है सिद्ध गति में ये काया रहेगी ना कर्म रहेंगे ना काया रहेगी आत्मा रहेगी उसका ही प्रयोग करना है तो मोह को तोड़ने के लिए आपको बहुत प्रसाद करना पड़ेगा ये मोह का अहंकार और ममकार के द्वारा जगत के सारे पदार्थ जड़ पदार्थ आपको पता है सब नश्वर है कितना पुदगल से प्रेम है पुदगल में आपका शरीर भी आ गया का। धन संपत्ति माता पिता बहन भाई उसको हमने पकड़ के रखा है छूट ना पाए और पता नहीं कब छूट के चले जाएंगे क्या आपकी वृत्तियां बदली मेरी वृत्तियां नहीं बदली मैं अपनी वृत्ति कहता वृत्ति को बदलो वृत्तियां संस्कार मेरे संस्कार मेरी धारणा मेरी परंपरा मेरा 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 ये मोह का हिस्सा और क्या है बोलो है कि नहीं हम जितना संग्रह इकट्ठा करते हैं खुश होते हैं कि मुझे रक्षा होगी वित्ते तानम न लभे बमत्ते धन से रक्षा हो ही नहीं सकती तो मोह शत्रु है प्रबल शत्रु है मोह को समाप्त कैसे करना है आप जानते हैं मोह शत्रु है, मैं भी जानता हूं पर मोह को समाप्त कैसे करोगे बोलो 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 वेद विज्ञान से मोह समाप्त हो जाएगा बोलो 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 समभाव से और बोलो दृष्टि बदलना और बोलो मुंह का अंत करना है कैसे करना है हुँ? जीव को जीव में स्थित करना है क्या करना मैं को गलाना मैं को गलाना और बोलो मैं आत्मा हूं आपने कह दिया मैंने कह दिया इससे मोट उड़ जाएगा कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मोट उठ गया मोह का अंत कैसे करना है राग देवी छोड़ दोगे मुंह अंत हो जाएगा बोलो अंत कैसे करना है मोह का कितनी बार भगवान ने कहा पिंड को पराया जानो पिंड 24 घंटे पर आया है पिंड खाल है मेरा शरीर नहीं है ना मैं शरीर का हूं मैं आत्मा हूं साधना तभी आगे बढ़ेगी जब आपका पिंड का मोह टूटेगा यह पिंड शरीर में नहीं ये साढ़े तीन हाथ की काया हम सारे संसार के पदार्थ किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं शरीर के लिए आत्मा का तो कुछ चाहिए नहीं तुलसी भाई क्या चाहिए आत्मा को तुलसी भाई को क्या चाहिए कोठी बंगला बगान क्या चाहिए भगवान की वाणी बार बार आती है जब तक ये पिंड पर आया है पिंड मेरा नहीं है जब अपना ही पिंड पर आया है तो दूसरा पिंड तुम्हारा कैसे हो गया मुंह टूटेगा सभी देखो अभी महापुरुषों का वर्णन आ रहा है मुनि जी बोल रहे हैं नब्बे आत्माओं ने कैसे तप किया आपको तप करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं तप हम तप करोगे जोर लगेगा पिंड को तख कष्ट होगा निश्चित होगा और उस समय कहाँ सुख ढूंढोगे प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी निश्चित आएंगी आप तब करोगे बेला चौला ठाई मांस खामन करोगे कुछ करो। प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी फिर आप उसमें समता में रह जाओ आना ही है शरीर को आई और आत्मा को छू नहीं सकता कुछ भी आत्मा शुद्ध थी शुद्ध है रहेगी जो कारमन उदय आएगी कर्म वो शरीर तक रहेंगे आत्मा तक नहीं रहेगी पिंड को पराया जानो पिंड को खाल समझो ये खाल है है खाल के नहीं देखो ये खाल ही है जरा सा उधेर दो जरा सा नीचे कर दो क्या निकलेगा हड्डी मांस मज्जा रक्त पर हम कहते हैं अंतर में जो मोह है सबसे ज्यादा मोह किसका है शरीर का पिंड का और अंत कब होगा जब पिंड को पराया कर दो पिंड खाल है मेरा पिंड है ही नहीं अंतकरण से बसरा दोगे किसने बसराया बोलो किसने बसराया बुसराया गसु कमाल उसके पास वही शरीर था कितनी भयंकर परिस्थितियां प्रतिकूल थी अनुकूल नहीं थी कैसे वो जीव में स्थित हो गए खड़े रहे सब पता लग रहा था कि पाल बांधी जा रही है अंगारे चींटे जा रहे हैं कितना उस समय उनका भेद ज्ञान रहा होगा प्रतिकूल परिस्थितियां रही होंगी और इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया इसलिए जब भी आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा क्षायक समगत प्राप्त करनी होगी आसानी से नहीं होगी आपको तब तपना पड़ेगा अपने आप को तो तपाना पड़ेगा चौबीस मिनट एक एक मिनट एक एक मिनट जब ऊपर चढ़ते हैं ना नजदीक आ जाती है मंजिल तो बड़ा कठिन हो जाता है हम विहार करते हैं पंद्रह किलोमीटर बीस किलोमीटर जब एक किलोमीटर रह जाता है ना फिर पांव थक जाते हैं फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ही क्षायक संकेत प्राप्त करने के लिए आपको कैसी परिस्थिति हो मैं जीवात्मा मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं और कैसी परिस्थिति आ जाए उसको स्वीकार करो और शुक्ल ध्यान की धारा आपकी बढ़ती चली जाए बढ़ती चली भगवान दोष परमाते हैं शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ाओ स्व को बढ़ाओ आगे बढ़ाओ हम जो कुछ भी कर रहे हैं अहंकार मंकर तो इसको हमने देखना है कि कैसे कैसे हमारा मोह टूटे जितना जितना मोह टूटेगा उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे यदि आपको सिद्ध गति जाना है केवल ज्ञान जाना है तो आपको उससे मोह तोड़ना ही पड़ेगा टूटना ही पड़ेगा ठीक है एग्जाम्पल है घटना है राजा श्रेणिक ने अपने जीवन काल में चेलना के लघु पुत्र हल्ल विहल को एक देवनामी हार और सिंचानक हाथी जो देव कृपा से मिला था वो दे दिया दोनों ही बहुत खुश थे देवनामी हार सिंचाक हाथी उसको लेकर के भ्रमण करते हार पहन के जाते और नगरी के लोग बहुत खुश थे कि देखो ये राज्य लक्ष्मी भोग रहे हैं और कौन एक जो राजा था वो क्या था वो केवल भार ढो रहा है राज्य का भार ढो रहा है जब ये चर्चा आम चलने लगी तो जनता की बात कौनिक की पटरानी पद्मावती के कानों में पहुंची कि एक राजा तो राज्य का भार ढो रहा है और राज चिन्ह है ये देवनामी हार और सिंचानक हाथी और ये तो हल विहल के पास है तो रानी पद्मावती ने किसको कहा राजा को कौनक को कहा कि देखो ये राज चिन्ह है हाथी और देवनामी हार ये आपको प्राप्त करने चाहिए क्योंकि आप राजा हो आपके पास तो है लोग कहते हैं तो राजा का भार ढो रहा है असला सुख तो वो हल हल ढूंढ रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं कौनक ने कहा देखो पिताजी ने उनको उपहार दे दिया है अब मैं मांग नहीं सकता उनको दे दिया ठीक है मेरे भाई हैं अब यहां के आता है प्रियाहठ पत्नी कहती नहीं ये तो आपके पास होना ही चाहिए आप राजा आप हो और सुख वो भोग रहे हैं सारी प्रजा उनके साथ में सिंचानक हाथी और वो हार तो समझाया उसको नहीं रानी कहने लगी नहीं पद्मावती ये तो आपके पास रहना चाहिए आखिर कौनक ने उनको दोनों हल भी हल को बुलाया कि ये हाथी और हार मुझे दे दो भाइयों ने कहा बंधुवर आपको ये हाथी और हार लेना चाहते हो ऐसा करो राज्य का एक हिस्सा हमें दे दो और हम आपको हाथी और हार दे देते हैं कौनक ने कहा नहीं आपको राज्य का कोई हार नहीं मिलेगा आप मेरे सामने हाथी और हार दे दो जब बात नहीं मानी उसने बलपूर्वक उसको लेना चाहो भाई जहां बैठना वहां बैठ जाओ ना एक तो आते हो फिर बैठते हो पीछे आप पीछे बैठ जाओ ना जगह छोड़ा मत करो बीच में इसने आना पीछे बैठे बीच में आकर के तुम बैठते हो आसन खोलते हो बैठो सभा का नियम होता है भाई हो तो उसने कहा नहीं ये मुझे कहा भाई हमें हिस्सा दे दो राज्य का हम दे देते नहीं माने अब हाल विहाल ने क्या सोचा ये नहीं मानने वाला तो अपने नाना चेटक के पास सेना कोश राजा और हाथी लेकर के अपने राजा चेटक के पास वहां चले जाते कौन को पता लगा कि ये तो मुझे बिना बताए हाथी हार लेकर के नाना चेटक के पास चले गए उसको और गुस्सा आया उसने तो चेटक को कहा कि देखो हल विहल को बोल दो जी हार बेनामे हार और जो सिंचानक हाथी मुझे दे दो हार में आठ न्यायप्रिय था उसने कहा देखो ये आपको दे सकते हैं पर इसको राज्य का हिस्सा आपको देना पड़ेगा राज्य का हिस्सा दे दो वे दे देंगे कौनक ने कहा नहीं मैं राज्य का हिस्सा नहीं दूंगा ये तो मेरे हैं मुझे मिलने चाहिए मुझे दे दो चेतक नहीं माना कौनक ने युद्ध कर दिया भयानक युद्ध हुआ और कौनक के लघु भ्राता दस राजकुमार सेनापति बन करके युद्ध किया कहते भयंकर युद्ध हुआ लाखों लोग मर गए ऐसा युद्ध हुआ कोई बच नहीं पाया किसके हार एक हार और हाथी के कारण एक हार और हाथी के कारण युद्ध हुआ ये घटना है बलपूर्वक ये क्या मुंह का कारण है जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता उसी प्रकार मोह से अंधी बनी आत्मा को वास्तविकता का पता ही नहीं चलता क्या करना क्या मोह को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए बार बार चिंतन करो बार बार चिंतन करो मैं शुद्ध आत्मद्रव्य निर्मल ज्ञान मेरा स्वभाव है निर्मल ज्ञान मेरा स्वभाव है ज्ञान आदि गुणों से भिन्न मैं कुछ भी नहीं हूं मैं आत्मा शुद्ध आत्मा मोह के कारण व्यक्ति ममत्व बुद्धि के कारण जीव आत्मा को भूल जाता है और उसमें आसक्त हो जाता है इसलिए मोह को तोड़ना चाहिए मोह सबसे बड़ा शत्रु है और जब तक आपको देह के प्रति ममत्व है अपनी वृत्तियां अपने संस्कार अपनी धारणियां नहीं जो मैं कहता हूं यही सही है देखो परिवार में समाज में राष्ट्र में युद्ध होते हैं इसलिए युद्ध होते हैं मोह के कारण युद्ध होते हैं मोह दूसरा है मोह तीसरा है अवज्ञ अनादर भाव एक आदर एक अनादर हृदय में आदर भाव आ जाए तो क्या होता है जामन की भांति मन भर दूध है उसमें चम्मच दही का डाल दो क्या हो जाता है दही बन जाता है मन भर दूध में एक चम्मच दही का डाल दो जामन डाल दो प्याज डाल दो तो क्या हो जाता है दूध में दही बन जाता है दही का मक्खन हो जाता है मक्खन से घी बन जाता है और यदि अनादर का भाव हो वो तेजाब की भांति जो दूध को फाड़ देता है तेजाब क्या करता है दूध को फाड़ देता है और अनादर भाव तेजाब की भांति आदर भाव जामन की भांति हमें हृदय में देव गुरु धर्म के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए अरिहंत मेरे देव हैं इस समय अरिहंत सिद्ध तो मुक्त चले गए अरिहंत की वाणी हमारे पास है सिमंद स्वामी भगवान की वाणी पंचम काल में में अरिहंत परमात्मा की वाणी मिली हमारे पास है हम फिर क्यों नहीं इस वाणी को समझते क्यों नहीं उसकी गहराई करते देव गुरु धर्म का उपकार माता पिता का एक भाव का उपकार होता है माता पिता जिसने जन्म दिया जिसने पाला पोसा बड़ा किया एक भाव का उपकार होता है अरिहंत परमात्मा और गुरु का जन्मों जन्म तक जन्म उपकार होता है अवज्ञा नहीं करना आदर का भाव रखना अवज्ञा करोगे तो संसार लंबा होगा देव गुरु धर्म के प्रति आदर का भाव रखोगे तो आगे बढ़ जाओ चौथा अभिमान विनय मूल धर्मो धर्म का मूल क्या है विनय विनय मूल धर्म और दुनिया के जाम अहंकार मैं मैं कुछ इतिहास में दो प्रसिद्ध युद्ध हुए एक महाभारत का एक रामायण का रावण का अभिमान और रावण ने क्या किया था सीता के लिए काम वासना के लिए रावण ने युद्ध लड़ा सोने की लंका जल गई कहा भी जाता है इकलख पुत्र रावण के घर दी आना बाती। इतना बड़ा सम्राट और एक सीता के कारण काम वासना के कारण अभिमान मैं जैसा शक्तिशाली ये दो बानर मेरा क्या कर सकते हैं बहुत समझाया राम को मंदोदरी ने समझाया कुंभकर्ण ने समझाया उन्हें समझाया भीषण ने समझाया नहीं माना अहंकार और अहंकार में क्या हुआ देखो और दुर्योधन युधिष्ठिर और दुर्योधन में अभिमान के कारण क्यों दुर्योधन का अभिमान आया द्रौपदी ने एक ही बात कही थी एक वो चल रहा था जहां पानी था वहां पानी नहीं था जहाँ पानी नहीं था वो आ गया तो दुर्योधन ने ऊपर हाथ द्रौपदी ऊपर खड़ी थी उसने एक शब्द कह दिया पकड़कर हाथ में लकड़ी इमदाद करो अंधे की पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की ये अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की द्रौपदी के ये कटुवचन महाभारत का युद्ध हो गया कई बार कटु वचन तीखे वचन सही कहता हूं सीना छलनी कर जाते हैं तीखे वचन सही कहता हूं सीना छलनी कर सकते मर्रम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते तीखे वचन किसी को भगवान ने कहा काने को काना लूले को लंगड़ा नहीं कहना प्रज्ञा चक्षु कहो उनको मीठे वचन तीखे वचन नहीं कहना वो द्रौपदी के दो वचनों ने कैसा युद्ध हुआ कैसे सब कहानी आपको पता आपने महाभारत भी देखी है आपने रामायण भी देखी है ये करके बाहुबली का अभिमान एक वर्ष तक खड़े रहे बाहुबली कितना शक्ति थी आत्मा की और घोंसले बना ली परंतु मैं नमन झुकूं कैसे मेरे में भाईयों ने दीक्षा ले ली मैं वंदन कैसे करूं फिर भगवान ने किसको भेजा? ब्राह्मी सुंदरी को भेजा ब्राह्मी सुंदरी ने गाना गाया वीरा मारा गाय थकी नीचे उतरो उत्र। वीर हाथी के औहदे पर खड़ा है नीचे तो उतराओ वो आवाज सुनी कौन सा हाथी अभिमान का हाथी सोचा बस जो खड़े थे कौशक में पाम उठाया केवल ज्ञान चक्कर काट रात केवल ज्ञान प्रकट हो गया बाहुबली जी के अभिमान के नहीं छोड़ पाए एक वर्ष तक कठोर साधना केवल स्तूली भदर जो कोशा के आंगन में जाकर के चमासा बिता दिया काम वासना को तो जीत लिया परंतु अहंकार आ गया जब वो विद्या लेने के लिए सूलि भदर गए और बहने मिलने के लिए आई तो सूलि भदर ने क्या बना लिया शेर कर वो बना लिया दिखाने के लिए कि मेरे में कितनी शक्ति है बहने जब आई तो देखा तो सूलि भद्र आई नहीं तो शेर बैठे डर गई ताप उनको आगे ज्ञान नहीं मिला चौदह पूर्व की दस पूर्व ही मिले चौदह पूर्व का ज्ञान नहीं मिल पाया ऐसा भद्र ये अभिमान खतरनाक है त्राइड है तिफाल जो अभिमान करता है वो गिरता ही है मां मंत्र में पहला पद नमो का है जो व्यक्ति नम्र नहीं है वो धर्म कर ही नहीं सकता बिना मूल धर्म नानक नन्ने हो र जसे नन्नी दू नानक नन्ने हो र जसे नन्नी दू भाड़ा खास उण जाएगा डूब खोइ खोइ नानक नन्ने हो रहो जैसे नन्ना धूप बड़ा घास उड़ जाएगा जैसे दूब का मतलब छोटी छोटी घास आप देखते हैं छोटी छोटी इतनी इतनी वो कितनी बरसात आ जाए आंधी आ जाए तूफान आ जाए वैसे रहती है और बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं झाड़ आता है टूट जाते हैं गिर जाते हैं बड़े बड़े वृक्ष और दूब नन्ने नानक नन्ने हो रहो जैसे नन्नी दूब बड़ा वृक्ष उड़ जाएगा दूब खूब की खूब इस प्रकार चुंबक अपने आसपास के रहे लोकनों को खींच लेता है उसी प्रकार विनय आदमी अपनी ओर खींच लेता है गौतम की विनय और घोषालक, गौतम की विनय से कैसे चला गया भगवान महावीर ने पूछा गौतम अनंत श्रावक ठीक जाओ क्षमा मांगो उसका ज्ञान ठीक तुरंत गौतम चला गया भगवान की वाणी से और गौतम मुख्य का अधिकारी बना सिद्ध बुद्ध और गुशालक और घोशालक तेजोले भगवान पर फेंक अहंकार करता रहा गौतम और गुशालक हमारे सामने है अभिमान कितना दुखी करता है इस जिंदगी दा कोई नहीं वसा के होके चल बंद इस जिंदड़ी कोई नहीं बसा के जीवा होके चल बंद नु रब मिलदा नु रब मिलदा कि होके चल बंद पंजाबी का नीवा का मतलब झुकना

के नीमा हो चल वंद तभिमान छॾ माया जे गुमान तज अभिमान छॾ माया दुमान झूठा अभिमान भावे भॻवान न झूठा अभिमान भावे भॻवान कसी दुखियां दर्द वंडा ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਤੇ ਨੀਵਾਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਤੇ ਨੀਵਾਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਾ के जीवा हो के चल, चल माया दे कमांड विच चंगे चंगे टूट गए माया दे कमांड विच चंगे चंगे टूट गए माया दे कमांड विच चंगे चंगे टूट गए ਪਾਰੇ ਕਮੰਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਕੇਤੀ ਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਖੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਕੇਤੀ ਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨਾਲ ਕੱਖ বিনা ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੱਖ বিনা ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਵਾਹ ਕੇ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੱਖ ਨਾ ਗਿਆ ਨਿਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਮਸਾ ਨਿਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ सेवाओं पुकार वाली जिंदगी गुजार ले सेवाओं पुकार वाली जिंदगी गुजार ले मैली जिंदगी दे रंग रूप नु सवार ले मैली जिंदगी दे रंग रूप नु सवार ले मैली जिंदगी दे रंग रूप नु सवार ले मैली रंग दे ਅੰਤ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਦਾ ਜਾ ਅੰਤ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਹ ਕੇ ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਅੰਤ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਦਾ ਜਾ निवाहों के चल बने इस जिंदड़ी दा कोई नहीं निवाहो के चल बने सदा नीमिया नु रब मिलदा निवाहो के चल बने पंजाबी का भजन है शायद आपको समझ में आ गया होगा सिंपल पंजाबी है जिंदी जिंदगी जिंदगी जो छोटी सी मिली है नम्र होके चलो और रब परमात्मा नीवे को मिलता है अभिमान माया छोड़ करके जूठा गमान छोड़ करके और किसी दुखिया का दर्द है उसको दूर करो माया दे बेचे चले टूट गए बड़े बड़े लोग माया गमंड में चले गए भर के तिजोरिया सारी इतने सुट गए तिजोरिया तो भर के जहाँ सुट गए नाल भी किसी कख का मतलब एक तिनका भी तुम्हारे साथ नहीं जाता सेवा उपकार वाली जिंदगी गुजार ले मैली जिंदगी रंग रूप सुधार ले अंत जग बच हसदा ही जा नीमा होके चल बन दिया तो आज ये अभिमान तक हुआ है फिर चर्चा करेंगे ध्यान करेंगे आंखें बंद मन वचन काया शांत शरीर शांत विचार शांत सृष्टि शांत वातावरण शांत सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर मैं जीवात्मा हूं मैं जीवात्मा हूं यही एक सत्य है अटल सत्य है परम सत्य शाश्वत सत्य है त्रिकाल सत्य है दो तत्व जुदा जुदा है जड़ और जीव का भेद कर दीजिए जड़ यानी ये शरीर जिसका आकार है रंग रूप है वर्ण स्पर्श है जीव यानी आत्मा हो तुम आत्मा हो यही सत्य है अटल सत्य है परम सत्य है शाश्वत सत्य है

दो तत्व जुदा जुदा है मैं जीव आत्मा सिर के सिरे से पाम के अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए तुम केवल 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 आत्मा अपने भीतर मंगल का भाव लाएं प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना एक शाराण है धाराम की और शरण नहीं को एक शरण है धाराम की और शरण नहीं को सत्य से जान जान मंगल हो सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो तेरा मंगल हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो इसमें दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते हैं नमो अर्यंतान नमो नंग नमो आयंग नमो अन नमो साव नम धम मंगल ठम अहिंसा संजमो तव देवा में से आम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगल साहुमंगल केेवलपान धम्म मंगल चरी लोघुतम अर्ंता लोगुतम सिद्धा लोघुत्तम साहू लोगुत्तम केवलपानोधम्मो लोगुत्तम चरी शरण प्रवज्या अर्हंते शरण प्रवज्याण प्रवजा